नील वैश, प्रेसिडेंट इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन IIA। डिफेंस एक्सपो है, डिफेंस कॉरिडोर जब यूपी में घोषित किया गया था तो इसी के कार्यक्रम के तहत ये डिफेंस एक्सपो है। इसमें बेसिकली डिफेंस बहुत बड़ी मात्रा में मेक इन इंडिया के तहत स्वदेशीकरण की तरफ जा रहा है। स्वदेशीकरण जाने का अर्थ है कि बहुत से ऐसे उद्यम के लोग उनको चाहिए जो उनके उत्पाद को बना सकें। अब ऐसा कोई मौका होना चाहिए जहां पर उनके उत्पाद प्रदर्शित हो सकें और इंडस्ट्री उसको बड़ी मात्रा में देख सके कि वो क्या उत्पाद उनके बना सकते हैं। इसमें सेना के तीनों अंग के बड़े बड़े इस्टेब्लिशमेंट भी होंगे, DRDO भी होगा, डिफेंस के सारे ऑर्डनेंस फैक्ट्री बोर्ड होंगे, HAL होंगे, उनके जो जो पुर्जे उत्पाद जो वो चाहते हैं कि भारत को उद्यमी बनाए वो यहाँ बड़ी मात्रा में प्रदर्शित करने वाले हैं। और साथ ही उद्योग ने भी अपना प्रदर्शन किया हुआ है कि वो क्या बना सकते हैं। मेटल कास्टिंग कर सकते हैं, इंजीनियरिंग डाइंग कर सकते हैं या प्रोसेसिंग कर सकते हैं, फैब्रिकेशन कर सकते हैं। तो ये एक तरह से एक सेतु का काम करेगा दोनों के बीच में और बड़ी मात्रा में उनको वेंडर प्राप्त होंगे यहाँ से और बहुत मात्रा में इंडस्ट्री को डिफेंस में सेक्टर में काम करने का मौका मिलेगा। इसी दिन का ये इवेंट है, ये 14-15-16 नवंबर को आयोजित है। 14 को उद्घाटन सत्र है जिसमें माननीय उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री महाना जी उद्घाटन करेंगे, मुख्य सचिव होंगे, UPDA के CEO होंगे और सेना के बहुत अधिकारी होंगे उसमें। इसके अलावा 15 तारीख को रक्षा राज्य मंत्री सुभाष भामरे जी आएंगे, उनके साथ साथ सेना के तीनों अंगों के प्रमुख अधिकारी होंगे और बड़ी मात्रा में डिफेंस PSUs के अधिकारी भी होंगे। और यहाँ पर एक सेमिनार होल्ड सेमिनार वर्कशॉप्स का आयोजन किया जा रहा है जिसमें कि सेना की ज़रूरतों के बारे में उद्यमियों को बताया जाए और उद्यमी कैसे उसमें सप्लाई कर सके उसके प्रोसीजर के बारे में बताया जाएगा। और 16 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी का 1 बजे का कार्यक्रम है समापन का, वो उसकी हमको सूचना प्राप्त हुई है, अभी उसका कंफर्म ऑर्डर मेरे पास नहीं आया है। तो ये 3 दिन के प्रोग्राम में कानपुर में उद्यम जगत की तरफ से और डिफेंस की तरफ से अच्छा एक तालमेल देखने को मिलेगा।